YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पेंशन योजना लागू करने सहित पांच सूत्री मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले पलामू प्रमंडल के तमाम डाक सेवकों का बेमियादी हड़ताल आज भी जारी रहा। जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर के समक्ष हड़ताली ग्रामीण डाक सेवकों ने सरकार के अड़ियलपन रवैये पर खासी नाराजगी व्यक्त की और समिति रिपोर्ट को अविलंब लागू करने सहित 8 घंटे काम के बदले समुचित वेतन की मांग की। ग्रामीण डाक सेवकों के हड़ताल पर चले जाने से प्रमंडल की डाक सेवा पर व्यापक असर पड़ा है, लेकिन दूसरी ओर डाक प्रशासन द्वारा हड़ताल की अवधि में भी डाक सेवा सुचारू होने का दावा किया जा रहा है। सरकार हम लोग के मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है और हम ग्रामीण डाक सेवक बहुत ही बुरी हालत में आज सरकार की हम लोग के विरुद्ध नीति जो चल रही है इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन बैठे हुए हैं। हम लोग का पांच सूत्री मांग जो है इसमें है कि हमने चंद्रा समिति का रिपोर्ट लागू किया जाए और ग्रामीण डाक सेवक को पेंशन दिया जाए और कम से कम 5 घंटा न्यूनतम वेतन 8 घंटा का अधिकतम वेतन हम लोग का मांग है और डाक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा है। पलामू डिवीजन के 323 शाखा डाकघर में ताला बंद है, किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है और डाक प्रशासन जो है सो कि एक गलत जनता में भ्रम फैला रही है कि नहीं हमारा डाक का काम चल रहा है, लेकिन किसी भी जगह काम नहीं चल रहा है। बलपूर्वक काम को दिखाया जा रहा है समाचार मीडिया में कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन धरातल को कोई काम नहीं। पब्लिक के बीच में धोखा दिया जा रहा है, पब्लिक को बुड़बक बनाया जा रहा है। आज जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पता लगाइए कि बच्चों का जो एडमिट कार्ड है, पेपर है, रजिस्ट्री है, स्पीड पोस्ट है, पार्सल है, पीपी है, जितना भी कार्ड है डाक विभाग से वो सब आज बोड़ा के बोड़ा पड़ा हुआ है। सभी ये सुन प्रशासन जो झगुआ बना रहा है कि हम सभी जगह काम कर रहे हैं, कहीं काम नहीं हो रहा है। ये प्रशासन भी हम लोग के साथ हम लोग का धरना का कोई पदाधिकारी भी हम लोग से वार्ता नहीं कर रहा है कि आप कैसे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं। सरकार एकदम कान में तेल डाल के सोई हुई है।